मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार राम भक्तों का दमन कर रही है। ऐसे में राम भक्तों के डीजे के सवाल को उठाते हुए बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा है कि प्रशासन इसे सुनिश्चित करे कि आखिर डीजे किस वॉल्यूम पर बजना चाहिए और क्यों नहीं बजना चाहिए। वह मानक तय करें, कहने का अर्थ है कि बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि ये लोग कि भाई आप उसका जो वॉल्यूम होता है डीजे का तय कर दीजिए कि भाई इतना वॉल्यूम में ही बजेगी, क्या दिक्कत है। ये कोई बिल्कुल मांग उन लोगों की वाजिब है। और साथ ही कहता है कि भक्ति गाने को भी शॉर्ट लिस्ट करें, यानी सरकार की ओर से जो भक्ति गाने पूजा समिति की ओर से आप मंगा लीजिए और उन्हें सुन लीजिए और उसमें से जो आप 10-5 जो आप सेलेक्ट करेंगे फिर उसी को लोग बजाएंगे भक्ति गाना को भी, उसमें भी कहीं कोई लोगों की डिमांड कोई गलत नहीं है। उसके साथ साथ कह रहे हैं कि भाई फुहड़ और अश्लील गाने पर सरकार रोक लगावे। अब इतनी अच्छी और इतनी सुंदर डिमांड है जनता की ओर से और उसके बाद सरकार यानी जुलूस में डीजे नहीं बजेगी, अपनी जिद पर अड़ी हुई है। तो आप सोच सकते हैं भाई किन लोगों को खुश करने पर खत किनको आपत्ति है डीजे से, ये सरकार को बतानी चाहिए किन लोगों ने कोई आपत्ति किया है। आज आप देखेंगे कि भाई डीजे तो क्या, आप तो देखते हैं हम सब लोग किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है कि रोज सवेरे सुबह देखते होंगे 5 बार अजान होता है माइक से, हम लोग दूर दूर तक सुनते हैं, कहाँ किसी को कोई आपत्ति है, कोई किसी ने कोई विरोध नहीं कर रहे। तो ये सरकार जानबूझकर के जबरदस्ती जिसको कहते हैं इस राज्य के अंदर में हिंदू और मुसलमानों के बीच में तफरका पैदा कराना। जब टूटती है आग, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।